तो गाइस ये है चोपड़ा ऑटोमोबाइल। यहाँ पे स्टड्स, SMK, राइनो, एक्सोर, KYT, LS2, DSG, सेना, ये सारा इनके। ये है ग्रैंड पिट शॉप का वाटरप्रूफ मोबाइल होल्डर। कितना हो गया जीतू भाई? चलो 500, साढ़े 600, 300, 1100। एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जाट ऑन व्हील्स में। तो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं करोल बाग, और हम जो टूरिंग एसेसरीज़ है, जो हमारी KTM 390 बाइक है, तो उसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट मेरे पास सभी टूरिंग एसेसरी लगी हुई है, लेकिन एक मेरा अपना मोबाइल माउंट नहीं लगा हुआ है, एक उसको लगाना है, और उसका ये अपना TFT कवर, इसका एक कवर भी लेना है मुझे, और साथ में मुझे अपना जो पैनियर का फ्रेम बनवाया था उसको इंस्टॉल करवाना है, और बस यही कुछ कराना है। बाकी मेरी फुल टूरिंग मोड में आ जाएगी मेरी बाइक। तो बस चलते हैं और अपनी एसेसरी लगवाते हैं करोल बाग से। ये जो मैं अब व्लॉग बना रहा हूँ, वो मैं बना रहा हूँ Insta360X3 एक्शन कैमरा के साथ, और ये मैंने व्लॉगिंग सेटअप बनाया है। तो गाइस, आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी लगी GoPro के अगेंस्ट? मैं इससे पहले GoPro में वीडियो बना रहा था, और आज मैंने पहली बार बनाया है 360 एक्शन कैमरा के साथ, तो दोनों में कंपेरिजन करके बताना, क्योंकि इसकी क्वालिटी मुझे लगता है कि काफ़ी शानदार होगी, क्योंकि 5.7K रेजोल्यूशन में इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से, और जबकि हम जो GoPro में रिकॉर्डिंग करते हैं 1080 रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड करते हैं, तो फ़र्क तो होगा ही है ऑलमोस्ट। तो आपको सीधा मिलते हैं अब करोल बाग। तो गाइस, मैं पहुंच गया हूं करोल बाग, और ये है RS माज रोड, और ये मेरे पीछे है चोपड़ा ऑटोमोबाइल, बड़ा शोर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ख़रीदने आए हैं अपना मोबाइल होल्डर, अभी तो यही चाहिए, उसके बाद मोबाइल माउंट, और इसका जो हमारा स्पीडोमीटर का कवर आता है एक्रेलिक कवर, वो भी ढूँढेंगे, अगर मिल जाए तो वो भी लगवाएंगे। तो आज ये हमारी शॉपिंग होने वाली है, अपनी बाइक के एडवेंचर टूरर बनाने वाले हैं फुल पूरी तरह से, और इसके बाद हम जाएंगे फैज रोड पे, जहाँ पे हमारा जो पेनियर्स का फ्रेम है वो रेडी हो चुका है, और अब उसको जाके फिट कराएंगे, उसके साथ पेनियर लगवाएंगे, फिर देखते हैं गाड़ी के लुक क्या आती है। चलो काम शुरू करते हैं। यह है चोपड़ा ऑटोमोबाइल, इसकी पूरी दुकान है, यहाँ पे सारी तरह की आपको जैकेट मिल जाएंगी, हेलमेट मिल जाएंगे, और भी जितनी भी राइडिंग एसेसरी है सब मिल जाएंगी। और ये सामने बैठे हैं हमारे गौरव भाई, और चलते लेते हैं अपना, ढूंढते हैं अपना मोबाइल चार्जर। तो गाइस, मैं आ गया हूँ चोपड़ा जी के गोदाम पे, और पहले हम जा गए थे वो उनकी मेन शॉप थी जो अपना RS माज रोड पे है, और ये इनका बहुत बड़ा गोदाम है। इसके पीछे देखिए जैकेट्स, कितनी शानदार जैकेट्स हैं, और बहुत सारी वैरायटी हैं इनके। तीन यहाँ पे वो गोदाम है, दिखा देता हूँ मैं, ये पूरा हेलमेट का सेक्शन है इनका, पूरे हेलमेट्स SMK और MT और भी कई कंपनियों के हेलमेट मिलते हैं, और यह पूरी जैकेट्स, और मैं देखने आया हूँ यहाँ पे मोबाइल होल्डर। ये है ग्रैंड पिट शॉप का वाटरप्रूफ मोबाइल होल्डर, तो ये हम लेने आए हैं अभी, और इसमें दूसरी वैरायटी आती है बोबो का, 200 रुपये का दोनों का डिफरेंस है, तो हम ये ले रहे हैं पिट शॉप, ये दे दे रहे हैं यार। तो ले लिया हमने मोबाइल होल्डर, अब जा रहे हैं अपने मोबाइल को माउंट कराने, माउंट भी लेना है, तो अभी चलेंगे जीतू बाइक वाले के पास जो चोपड़ा की बैक साइड पे है, तो काफ़ी इकोनॉमिकल सामान मिल जाता है। और अभी मैं गोल्डन पे गया था, तो वहाँ पे भाई 1500 रुपये का बता रहा था, वो सिर्फ माउंट माउंट, और जीतू के पास है 500 रुपये का, 500 550 बोल रहा है, 500 तक लगा देगा। तो अब चलते हैं सीधा जीतू के पास,
ये ऑटोमोबाइल का हब है करोल बाग का, ये आर एस माज रोड। यहाँ पे कार, जीप और अपना बाइकिंग का सारा एसेसरीज वगैरह यहाँ पे मिलती है हमें। तो ये हम आ गए हैं जीतू भाई की शॉप पे, जीतू बाइक पॉइंट, जो कि चोपड़ा के जस्ट बैक साइड पे है, और साथ में है खजांची। तो ये है जीतू बाइक पॉइंट, जीतू भाई की शॉप, जहाँ से हम काफ़ी एसेसरी लेते हैं, और मेरी सीट का मॉडिफिकेशन भी यहीं से हुआ था। एक मिनट, हाँ भी जीतू भाई, लो दो सामान, वही जो माउंट केटीएम का क्या हाल है बंदा और क्या लेने आया यार, आज सोच रहा हूँ थोड़ी बाइक निकाली, हवा लगवाई। स्पीडोमीटर का एक्रेलिक कवर समझ गया ना, एडवेंचर का समझ गया तुम्हारी फीलिंग। ओए होए, बड़ी तगड़ी लाइट है, कितने की है, कितनी, 1400 रिकॉर्ड हो रहा है, देख ले। देख कौन सा है मोबाइल, कैसा लगेगा ये केटी में एडवेंचर ले ली ना। हाँ वो तो ले ली, बट मोबाइल वोटा तो अलग से लगेगा ना इस पे। हाँ ये तो इसका माउंट है ना सिर्फ, ये मैं फिट करा रहा हूँ फिर। हाँ लगता कहाँ ये वाला माउंट है इस पे, अच्छा इसकी जगह दी रखी है। हाँ ये देखो ये निकला है। वो कैन का माउंट दे दो, साइड में माउंट लगता ना कैन का, माउंट जो कैन लगाते हैं ना पेट्रोल वाली कैन साइड में, अच्छा। उसके माउंट। मोबाइल होल्डर ले लिया है, मोबाइल का माउंट लगवा लिया है, और इसके साथ साथ हमने कैन का जो जेरी कैन है उसका भी माउंट ले लिया है। मेरे पास जेरी कैन है एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने के लिए, उसको हम यहाँ पे या यहाँ पे एक जगह कहीं भी अटैच कर देंगे। वैसे दो का ऑप्शन है मेरे पास। तो अब जी जा रहे हैं हम फैज रोड, जो अपना पेनियर्स का फ्रेम बनवाया था उसको लगवाने जा रहे हैं। तो अब सीधे मिलते हैं आपको फैज रोड पे। हाँ तो हम पहुँच गए हैं फैज रोड पे, ये सामने है सिद्धि विनायक मेडिकल स्टोर। और ये हमारे पेनियर, नहीं मेरे नहीं है ये, देखिए ये है राजू भाई, और ये हमारा पेनियर और उसके फ्रेम, और ये हमारी KTM एडवेंचर 390। तो यहाँ पे अब हम मॉडिफिकेशन कराने आए हैं अपनी पेनियर्स का और फ्रेम का, तो ये अपना मॉडिफाई करके इस पे लगाएंगे। ये मेरे जो फ्रेम है ये डोमिनार बाइक के हैं, और मैंने लास्ट ईयर ही अपने राजू भाई से इनको बनवाया था। तो अब इसको KTM में हम फिट करा रहे हैं मॉडिफाई करा के। कैसे हैं राजू भाई? ठीक है। तो हमारे पेनियर्स हैं और फ्रेम आपको दे दिए हैं, लास्ट ईयर आपने मेरी डोमिनार पे बनाए थे, बहुत ही बढ़िया लगे। तो आज हम लाए हैं अपनी KTM बाइक, तो इस पे अब हम मॉडिफाई कराएंगे। तो कैसे करेंगे अभी अपने पुराने, अभी आना वो वाला जो फिटिंग है फिटिंग काट देंगे। अच्छा, वही फिटिंग दूसरी बनाकर, अच्छा फिटिंग कर देंगे। तो बढ़िया मजबूत, कितने सूट की पाइप होती है इसमें? वो आप 14 गेज की पाइप लगाएंगे, 14 गेज की पाइप, काफ़ी मजबूत होती है, गिरने पे भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया है। एक साल तो हो गया आपसे टूटा था? हाँ टूटा नहीं है, बढ़िया था। तो चलो देखते हैं, तो अब हम अपनी KTM बाइक पे मॉडिफाई कराते हैं। तो गाइस ये हमारा फ्रेम तैयार हो गया है, और यहाँ से वेल्डिंग करी है इन्होंने, यहाँ से और बीच में सेंटर में, ये दो चीज़ इन्होंने काम करें, और एक एक्स्ट्रा जो इसके बीच में सेफ्टी के लिए एक पत्ती लगाई है वो भी अभी बना के रखी हुई है, और इनकी कोटिंग भी होगी ना।
पाउडर कोटिंग हो गई है, तो अभी फिटिंग करवा लेते हैं। तो हमारा काम हो गया है, हमने अपने बॉक्स पैनियर फिट करा लिए हैं और ये हमारा फ्रेम लग गया है, फ्रेम के ऊपर हमने पैनियर फिट करा लिए हैं और ये हमारा मोबाइल होल्डर फिट हो गया है। पहले माउंट लगाया है, उसके बाद ये मोबाइल होल्डर लगा है, काफ़ी बढ़िया है, वाटरप्रूफ है। ये वाटरप्रूफ मोबाइल होल्डर की रिक्वायरमेंट मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि मैं उड़ीसा में और गुजरात में दो बार राइड में फंस चुका हूँ बारिश के अंदर, और बारिश में जब नेविगेशन की ज़रूरत होती है तो मोबाइल काम नहीं करता, उसमें पानी जाने लगता है और बंद हो जाता है, तो तब बहुत ही दिक्कत हुई थी मुझे, तब बहुत ही ज़रूरत पड़ी थी मुझे इस वाटरप्रूफ ये होल्डर की, मोबाइल होल्डर की। तो देखते हैं कैसा काम करेगा, फर्स्ट टाइम मैंने ये लगवाया है और पिट शॉप का है, ग्रैंड पिट शॉप का है और इसी में बोबो का आता है, तो बोबो और ये ग्रैंड पिट शॉप सेम क्वालिटी है सेम, और ये ग्रैंड पिट शॉप आपको 200 रुपये सस्ता मिल जाएगा, ये मुझे मिला है 1600 रुपये का चोपड़ा से, और 1800 रुपये बोलते हैं और 1600 का दे देते हैं, और जबकि वो बोबो का 1800 में आपको देंगे, 2000 बोलेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमारी टूरिंग मोड ऑन हो गई है, हमारे पैनियर लग गए हैं, हमारा मोबाइल होल्डर लग गया है और मैंने जेरिकन जो है उसका भी माउंट ले लिया, जेरिकन माउंट, बस उसको फिट करना है, वो मैं घर जाके कर लूँगा। तो अब हम जा रहे हैं सीधा अपने घर को। तो आपको ये टूरिंग मोड कैसा लगा मेरी KTM एडवेंचर 390 पे, मुझे कमेंट करना, कुछ भी आपकी क्वारी हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो मुझे आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है वो जाट ऑन व्हील नॉट व्हील्स, तो उस पर जाके भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरा रिप्लाई करूंगा आपको। और ये राजू भाई वेल्डर जो करोल बाग फैज रोड पे हैं, इनका भी मैं मोबाइल नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आपको कुछ भी मोटिवेशन करानी हो अपनी बाइक में तो आप करवा सकते हैं,